बवासीर, फिस्टूला और फिसर आज की डेट में ये कुछ ऐसी बीमारियां हो गई हैं और जिसको हर दूसरे घर में जो है कोई ना कोई एक मरीज इसका मौजूद है। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि इस बीमारी का इलाज जो है ऐसे सिस्टम में लोग ढूंढ रहे हैं जहां पे इसका कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं है, यानी कि जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है उसमें जो सर्जरी करी जाती है उसमें लोग उपचार ढूंढ रहे हैं, जबकि सर्जरी से इसका जो उपचार बवासीर के जो मस्से होते हैं उसको जब सर्जरी से काट के निकाल दिया जाता है उसके दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दर्द भरी प्रक्रिया होती है। इसमें एक लेजर टेक्निक भी आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो रही है। लेजर टेक्निक के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए कि ये इससे भी जो है हर दूसरे तीसरे रोगी में दोबारा जो है वो मस्से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में एक विधि है क्षार सूत्र विधि, जिसमें जड़ी बूटियों से बना एक धागा होता है जो मवासीर के मस्सों के ऊपर जो है बांध दिया जाता है और उससे 7 से 10 दिन के अंदर वो मस्से अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से कट के निकल जाते हैं। और इस प्रक्रिया की एक विशेष खूबी ये है कि जिस हिस्से पे एक बार क्षार सूत्र विधि से प्रक्रिया करवा ली जाती है तो उसके बाद दोबारा जो है ये दिक्कत उस जगह पे कभी भी नहीं होती। ये इस विशेष खूबी है इस प्रक्रिया की। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली होती है, जब कभी भी आपको गुदा से संबंधित समस्या हो तो अपने कब्ज का उपचार जरूर करें, जो कॉन्स्टिपेशन जिसका जो है वो उसका उपचार जरूर रखें, उसका ध्यान जरूर रखें। जनरली लोग क्या करते हैं कि कब्ज की समस्या जब होती है तो बाज़ार से कुछ इस तरह के चूर्ण वगैरह लेके खाना शुरू करते हैं जिससे शुरुआत में तो लाभ मिलता है लेकिन लंबे समय में जाके वो कब्ज और ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच जाती है। और उस कब्ज की वजह से क्या होता है कि जो गुदा के पास की मांसपेशियाँ होती हैं उस पर लगातार दबाव पड़ता रहता है जिससे धीरे धीरे ये मस्से बन जाते हैं और वो मस्से फिर कई बार उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, कई बार जो है वहाँ पे उन मस्सों की वजह से कट लग जाते हैं। जब मोशन कड़ा आता है, जब लैटिन कड़ी आती है तो उसकी वजह से पेन बहुत रहता है और उससे वो फिसर और साथ में कई बार जो है पुराने नासूर जैसे बन जाते हैं जिसे आयुर्वेद की भाषा में हम लोग भगंदर या फिस्टूला बोलते हैं। तो आप लोगों को जब कभी भी गुदा से संबंधित समस्या हो तो उसका कब्ज का ध्यान जरूर रखना है। और कब्ज के लिए आजकल एक और लोग बहुत गलत तरह से जब टॉयलेट सीट पे जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी देर तक जो है बैठते हैं और जब मोशन नहीं आ रहा होता है तब भी जोर लगाते रहते हैं। तो आपको प्राकृतिक तरीके से जो मोशन है वो अगर आ रहा है तो ही आपको पास ऑन करना है, अदरवाइज आपको आयुर्वेद के किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना है। और हमारे जो शुद्धिग्राम के देश भर में अस्पताल मौजूद हैं या फिर हमारे चिकित्सालय मौजूद हैं, स्क्रीन में आ रहे नंबरों पे आप बात करके वहाँ पे भी परामर्श कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस समस्या से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर्स सही परामर्श देंगे। आप अपनी कब्ज से कैसे समाधान पा सकते हैं, आपको अगर बवासीर के मस्से हो गए हैं या फिर उसमें कोई ब्लड आ रहा है तो उसमें आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और यहाँ पे शुद्धि ग्राम जो मेरठ में हमारा ये अस्पताल दिल्ली NCR में मौजूद है वहाँ पर आप जो है आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ क्षार सूत्र के सर्जन जिन्होंने कई हज़ार सर्जरीज जो हैं अपने पूरे जीवन काल में की हैं ऐसे अनुभवी डॉक्टरों से आप जो है परामर्श ले सकते हैं, उपचार करवा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे आके आपको कैशलेस या जो रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है या जो हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित फैसिलिटी है वो भी हमारे इस अस्पताल में आपको मिलेगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी गुदा से संबंधित कोई समस्या हो तो आयुर्वेद की क्षार सूत्र विधि की ओर जाएं और उसमें आप जो है अपना स्थायी उपचार पाने का जो है प्रयास करें और उसी में जो है अगर आप उपचार कराएंगे तो आपको स्थायी लाभ होगा। धन्यवाद।